हेलो फ्रेंड्स, आज हम हरियाणा की लाडली स्कीम के बारे में जानेंगे कि लाडली स्कीम क्या है, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन उसके लिए अप्लाई कर सकता है, उसमें कितना अलाउंस है। तो ये सब चीज़ें जानेंगे हम इस वीडियो में, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो फ़िलहाल हम इस साइट पर हैं, आप ऑथेंटिकेट साइट है ये, आप चेक कर सकते हैं socialjusticehariana.gov.in। इस पे जाके आप खुद से जांच कर सकते हैं। तो जो ये स्कीम है, ये डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की स्कीम है, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं, इसकी डिटेल जानकारी ले लेते हैं कि लाडली सोशल सिक्योरिटी अलाउंस स्कीम क्या है। तो जो स्कीम है ये ओल्ड एज अलाउंस जो मिलता है बूढ़े लोगों को, उसके पैटर्न पे है, ठीक। और ये उस उन फैमिली के लिए है जिनकी खाली बेटियां हैं। और ये स्कीम 1 जनवरी 2006 से लागू की गई है, जिसमें शुरू में 300 रुपये पर मंथ फैमिली को दिया जाता था। लेकिन फ़िलहाल की बात करते हैं तो ये 1/4/2021 से इसमें 2500 रुपये पर मंथ हरियाणा गवर्नमेंट लड़की के फादर या मदर को प्रदान करती है। तो इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को समझना बहुत ज़रूरी है। तो नंबर 1 पे है एनी फैमिली वेयर बायोलॉजिकल सिंगल पेरेंट्स पेरेंट्स आर डोमिसाइल ऑफ हरियाणा और वर्किंग फॉर गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा। तो बायोलॉजिकल पेरेंट्स मदर या फादर तो हरियाणा के निवासी होने चाहिए, ठीक है। और उनके कोई भी बेटा नहीं होना चाहिए, चाहे वो बायोलॉजिकल हो, मतलब खुद का जो खुद से पैदा किया हो, या फिर अडोप्टेड भी नहीं चलेगा इसमें, बट ओनली डॉटर्स या डॉटर सिंगल या फिर एक से ज़्यादा डॉटर्स हो तभी ये स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं। दूसरी बात समझते हैं कि जो ग्रोस एनुअल इनकम है, ऑल सोर्सेज है, वो फैमिली का 2 लाख से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं है। तीसरा पॉइंट देख लेते हैं। तीसरे पॉइंट में है द एलिजिबल फैमिली विल बी एंटाइटल्ड टू रिसीव बेनिफिट अंडर द स्कीम फॉर द पीरियड ऑफ 15 ईयर्स। ये स्कीम का बेनिफिट कल 15 ईयर्स तक ही मिलेगा फ्रॉम द डेट ईदर ऑफ द टू पेरेंट्स कंप्लीट 45 ईयर ऑफ एज। दोनों पेरेंट्स में से मदर या फादर किसी एक की 45 ईयर एज यदि हो जाती है तो आप लाडली स्कीम के तहत आवेदन कर सकते हैं। और स्कीम के यदि आप एलिजिबल मान रहे अपने आप को, तो आप अपने सरल जो साइट है या फिर उस पर जांच कर सकते हैं, या फिर आपके जो CSC हैं, जो गवर्नमेंट ने हर गांव में CSC बना रखे हैं, सर्विस सेंटर जो हैं सेंटर के, उनको अप्रोच कर सकते हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं, द बेनिफिट विल बी पेड टू द मदर इफ सर्वाइविंग, इन केस द मदर इज नॉट सर्वाइविंग द बेनिफिट विल बी पेड टू फादर। यदि मदर गुजर चुकी है तो फादर को इसमें अलाउंस मिलेगा, और फादर गुजर चुका है तो मदर को। लेकिन कंडीशन ये है कि दोनों पेरेंट्स में से किसी एक की 45 ईयर एज कंप्लीट होनी चाहिए। अब लास्ट में बात कर लेते हैं इसके बजट की। तो गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा का जो बजट था फाइनेंशियली 2021 में, वो बजट 118 करोड़ एलोकेट किया गया था, जिसमें खर्च हुआ 111 करोड़। और इसमें टोटल नंबर ऑफ बेनिफिशरीज हैं, मतलब 28,642 लोग इस स्कीम का फ़ायदा उठा रहे हैं। तो आप यदि अपने आप को एलिजिबल समझते हैं तो आप इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद गाइस।